हेलो एवरीवन। तो आज कंपाइलर डिज़ाइन लेक्चर सीरीज़ में हम जो बात करने वाले हैं टॉपिक का नाम है टॉप डाउन पार्सिंग। बेसिकली टॉप डाउन पार्सिंग हमने देख लिया है। टॉप डाउन पार्सिंग होता क्या है कि जब हम रूट नोड से स्टार्ट करके, लेट्स से देयर इज़ अ रूट नोड एंड वी स्टार्ट एक्सपांडिंग द रूट नोड एंड गेट द स्ट्रिंग। अगर हम रूट नोड को एक्सपांड करना स्टार्ट करें और हमें स्ट्रिंग मिल जाए, जो हमें स्ट्रिंग चाहिए, लेट्स से हमें ए बी स्ट्रिंग चाहिए थी, हमने रूट नोड से एक्सपांड करना स्टार्ट किया और फर्स्ट एक्सपेंशन में हमें ए बी स्ट्रिंग मिल गई, ओके, देन इट्स ओके। तो दिस इज़ कॉल्ड टॉप डाउन पार्सिंग, कि जब हम रूट नोड से स्टार्ट करते हैं और एक्सपांशन में नीचे जो लीव्स बचते हैं, लीव्स बढ़ाते जाते हैं, उस तरीके का हम टॉप डाउन पार्सिंग कहते हैं। ठीक है, तो टॉप डाउन पार्सिंग के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं? जैसे कि यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग क्या होता है कि जब हमें कोई रूल दिया गया है, जैसे कि प्रॉपर ग्रामर की ही बात कर लेते हैं, ए एस ए और ओनली ए, एप्सिलॉन एस गिव्स बी एस बी ओनली बी एंड एप्सिलॉन, लेट्स से वी हैव दिस टाइप ऑफ ग्रामर। तो बैक ट्रैकिंग क्या होता है, मुझे लेट्स से स्ट्रिंग जनरेट करनी है बी ए एंड बी, आई वॉन्ट टू जनरेट दिस स्ट्रिंग, दिस इज माई गोल। आई स्टार्ट विथ ऑब्वियसली स्टार्ट सिम्बॉल एस, एस से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे कि टॉप डाउन पार्सिंग है तो मैं नोड्स नीचे लाता जाऊँगा, एस में से क्या एक्सपांशन होगा, ए एस ए, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मैं ये एक्सपांशन कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे दिया गया है। बैक ट्रैकिंग मीन्स ट्राइंग ऑल द पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ से एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, लेट्स से एस गिव्स बी एस बी, एज वी कैन सी बी एस बी इज मोर क्लोजर टू दिस वन, सो वी विल गो विद दिस वन। हम इस पॉसिबिलिटी को और एक्सपांड करेंगे, क्या एक्सपांड करेंगे कि एस में मुझे यहाँ पे ए भी जनरेट कर सकता है और बी भी जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो मैं एस में से दो चीज़ें जनरेट करूँगा, यहाँ से भी दो पॉसिबिलिटीज जाएंगी, कि एक तो मैं यहाँ पे एक ये चीज़ जनरेट करके देखूंगा, लेट्स हैव टू पॉसिबिलिटीज, आई होप दिस इज विजिबल, या सो वी हैव टू पॉसिबिलिटीज, एस गिव्स बी एस एंड बी विच कैन जनरेट फर्दर ए एंड बी बोथ, सो लेट्स पुट ए हियर एंड एस गिव्स बी एस बी एंड दिस कैन जनरेट बी। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग जनरेट हो रही है बी ए बी है, यहाँ पे स्ट्रिंग जनरेट हो रही है वो ट्रिपल बी है, तो ऑब्वियसली वी नीड स्ट्रिंग बी ए बी मैचिंग स्ट्रिंग, तो हम ये वाली चीज़ पिक करेंगे, ये वाला हमारा एक्सपांशन एंट्री सही है। ठीक है, इसे बैक ट्रैकिंग कहते हैं, कि जो भी हमारा स्टार्ट सिंबल है वहाँ से लेके जो भी रूल्स हम यूज़ कर सकते हैं, वो रूल्स यूज़ करके वी ट्राई टू यूज़ द समथिंग कॉल्ड ब्रूट फोर्स। हमने ये चीज़ सुनी हुई है। ठीक है, प्रोग्रामिंग में हम बैक ट्रैकिंग कब करते हैं, व्हेन वी अप्लाई रिकर्जन, तब हम बैक ट्रैकिंग करते हैं। तो बेसिकली हम रिकर्जन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए वी आर ट्रैकिंग द थिंग्स, कि हम कैसे मैचिंग स्ट्रिंग ले सकते हैं। ओके, सो वी ट्राई ऑल द पॉसिबल अल्टरनेटिव, उसे हम बैक ट्रैकिंग कहते हैं। आज हमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करनी है उसका नाम है लेफ्ट रिकर्जन। बैक ट्रैकिंग इज़ वेरी नॉर्मल, ठीक है, यू कैन नॉट अवॉइड दिस इफ़ यू वॉन्ट टू ट्राई, इफ यू वॉन्ट टू गेट अ स्ट्रिंग यू हैव टू ट्राई ऑल द पॉसिबिलिटीज़। अगर कंप्यूटर को दी गई है तो हमें तो ह्यूमन आई को दिख रहा है कि पॉसिबल ये है या ये अच्छा ऑप्शन है, सबसे पहले बी एस बी ले लीजिए फिर ए ले लीजिए, वी कैन सी दैट, बट इफ़ यू हैव गिवन दिस टू अ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर विल ट्राई ऑल द पॉसिबिलिटीज, कंप्यूटर कैन नॉट नो दैट इट इज़ क्लोज टू इट्स गोल। ओके, सो बात करनी है लेफ्ट रिकर्जन की। लेफ्ट रिकर्जन होता क्या है, इट्स रिकर्जन एंड लेफ्ट दो चीज़ों से बना हुआ है। सो लेफ्ट साइड अगर हम चीज़ें एक्सपांड करते जाएं तो दैट इज़ कॉल्ड लेफ्ट रिकर्जन। ध्यान से देखते हैं होता क्या है। जैसे कि कोई एक रूल है, लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर की बात करते हैं, आई जस्ट एडजस्ट अ बिट, या सो लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर क्या है, यहाँ पे नॉन टर्मिनल सिम्बॉल है, सेम नॉन टर्मिनल सिम्बॉल प्रोडक्शन रूल के राइट हैंड साइड पे रिपीट हो रहा है, तो उसे हम लेफ्ट रिकर्जन वाला ग्रामर कहेंगे या लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर कहेंगे। अल्फा यानी कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, अल्फा बिलोंग्स टू टर्मिनल प्लस नॉन टर्मिनल, ओके, ऐसे सिंबल्स हो सकते हैं जो टर्मिनल भी हैं और नॉन टर्मिनल भी हैं, राइट, ये हम सीखे थे जब हम डेफिनेशन पढ़े थे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की। ओके, सो प्लस साइन का मतलब क्या है, कि वन और मोर डिराइविंग इनपुट्स हो सकते हैं, कि अगर हमें एक ही प्रोडक्शन दिया गया है ए गिव्स ए अल्फा, अल्फा अल्फा की जगह पर कोई भी हो सकता है, एक प्रोडक्शन को हम वन और मोर प्रोडक्शंस के साथ रिप्लेस करेंगे। अगर हमें ये रिप्लेस करना है, लेफ्ट रिकर्शन को रिमूव करना है, तो हम इसको वन और मोर प्रोडक्शन के साथ रिप्लेस करेंगे। पर प्रॉब्लम ये है कि हम उसको रिप्लेस क्यों करेंगे, लेफ्ट रिकर्शन बुरा क्यों है, क्योंकि लेफ्ट रिकर्शन क्या कर सकता है, टॉप डाउन पार्सर जब हम यूज़ कर रहे हैं सब स्ट्रिंग को मैच करने की ट्राई कर रहे हैं, तो इट कैन एंटर इनटू इनफाइनाइट लूप, राइट, तो इनफाइनाइट लूप में एंटर होने से बचाने के लिए हमें लेफ्ट रिकर्जन से बचना चाहिए। तो इनफाइनाइट लूप में कैसे भाई ये जा सकता है, तो वन थिंग इज़ कि इफ़ यू हैव प्रॉपर लुक एट द थिंग, लेट्स से वी हैव रूल यही है,
ए गिव्स ए अल्फा और बीटा, हमारे पास दो रूल हैं, इसको कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं, वी हैव सीन दिस, कि अगर वन और मोर नॉन टर्मिनल के रूल रिपीट हो रहे हैं तो हम उसको कंबाइन करके इस तरीके से लिख सकते हैं, करेक्ट है. सो हम स्टार्ट करते हैं. तो हम ऑल द पॉसिबिलिटी एक्सपान करना स्टार्ट कर रहे हैं. तो ए गिव्स, फाइन, हो सकता है यहाँ पे कोई सबस्ट्रिंग है जो फर्दर एक्सपान हो सकती है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, पर ए आया है यहाँ पे, ठीक है. तो ए का एक्सपेंशन हम फर्दर कैसे कर सकते हैं, ए गिव्स ए अल्फा, फाइन, अगेन इट विल प्रोड्यूस ए अल्फा. तो सबसे पहला हमारा जो रूल होगा जो हमें एक्सपांड करना पड़ेगा वो कौन सा होगा, ए अल्फा होगा हमेशा, ठीक है. सो दिस विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, फाइन. सो द प्रॉब्लम विथ दिस रूल इज इट इज लेफ्ट रिकर्जन, कि वो लेफ्ट में रिकर्जन पा रहा है तो इसीलिए वो इनफाइनाइट लूप में जा सकता है. अगर मैं कंप्यूटर को ये ग्रामर दे रहा हूँ तो कंप्यूटर इनफाइनाइट लूप में पहुंच सकता है. इसीलिए जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं या कोई लैंग्वेज जनरेट करते हैं या जैसे कि सिंटेक्स एनालिसिस करना चाहते हैं या पार्सर बनाना चाहते हैं, ठीक है, सिंटेक्स एनालाइजर बनाना चाहते हैं, तो विल टेक केयर कि हम जो उसको रूल्स दे रहे हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में, वो रूल्स में लेफ्ट रिकर्जन है वो हमें अवॉइड करना है. वी वॉन्ट टू अवॉइड लेफ्ट रिकर्जन इन इट, ठीक है. तो हम इसको कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, लेफ्ट रिकर्जन कैसे रिमूव कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे सबसे पहले, ठीक है. नीचे दिया हुआ है कैसे रिमूव कर रहे हैं, कि जो उसका लेफ्ट रिकर्जन बिना का ग्रामर है या प्रोडक्शन है, लेफ्ट रिकर्जन बिना वाला प्रोडक्शन है, क्योंकि ए लेफ्ट हैंड साइड पे है, राइट हैंड साइड पे नहीं है, ध्यान रखेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले वो लिख लेंगे, ठीक है. उसके पीछे हम एक नया नॉन टर्मिनल सिंबल लगाएंगे, ठीक है, ए डैश. सो ए गिव्स बी ए डैश या बीटा ए डैश, ठीक है. बीटा मतलब कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है टर्मिनल और नॉन टर्मिनल मिक्स में, फाइन. पर उसके आगे यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ओरिजिनल प्रोडक्शन में आगे क्या नहीं होना चाहिए, नॉन टर्मिनल, रिकर्सिव नॉन टर्मिनल नहीं होना चाहिए. तो ए गिव्स बीटा ए डैश, और ए डैश के बाद में जो रिकर्सिव टर्मिनल है, रिकर्सिव टर्मिनल में से आगे से मैं ए निकाल रहा हूँ, अल्फा ए डैश एंड एप्सिलॉन एक हमारी तरफ से ऐड कर रहे हैं. एप्सिलॉन क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि बीटा अगर सिर्फ अकेला आना चाहे तो आ सकता है, तो यहाँ पे ए डैश की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, एप्सिलॉन रख सकते हैं. तो सिर्फ अगर हमें कोई स्ट्रिंग जनरेट करनी है ए में से, इफ आई वांट टू जनरेट ए गिव्स बीटा ए डैश, मुझे सिर्फ बीटा जनरेट करना है, तो इस रूल में से बीटा जनरेट हो सकता है, तो अल्फा की जगह पे क्या रख दूंगा, एप्सिलॉन रख दूंगा. सो वी कैन जनरेट एक्चुअली ओनली बीटा, ओनली बीटा स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं. तो ये दोनों इक्विवेलेंट ग्रामर है, जो भी स्ट्रिंग ये ग्रामर जनरेट कर सकता है सेम स्ट्रिंग यही ग्रामर जनरेट कर सकता है, तभी इन ग्रामर को हम कैसे ग्रामर कहेंगे, इक्विवेलेंट ग्रामर, ठीक है. तो याद रखेंगे कि अगर आपको स्ट्रिंग दी गई है ए गिव्स ए अल्फा और बीटा, आई एम क्विकली रिपीटिंग इट, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट ग्रामर में नीचे लिख रहा हूं जो लेफ्ट रिकर्जन बिना का है, कि ए गिव्स, सबसे पहले जिसमें लेफ्ट रिकर्जन नहीं है वो बीटा ए डैश, नया नॉन टर्मिनल सिंबल है ए डैश, फिर ए डैश को एक्सपांड कर रहे हैं, ए डैश गिव्स जहां पे रिकर्जन हो रहा है वो अल्फा ए डैश रिपीटिंग ए डैश, ठीक है, और एप्सिलॉन, क्योंकि हमें बीटा को अगर सोलो प्रोड्यूस करना है तो वी हैव टू हैव एप्सिलॉन सिंबल, फाइन. सो ये हमारा कन्वर्जन है, ये दोनों इक्विवेलेंट ग्रामर है, फाइन. इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कैसे कर सकते हैं हम क्विकली, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द रूल. सो यहां पे आ जाते हैं, टी गिव्स T मल्टीप्लाइड बाई एफ और F. तो ध्यान से देखेंगे हमारे नॉन टर्मिनल सिंबल कौन से हैं, T, F, यह सब हमारे नॉन टर्मिनल सिंबल्स हैं, और टर्मिनल सिंबल कौन से हैं, स्टार. तो यहाँ पे लेफ्ट रिकर्जन है, क्यों लेफ्ट रिकर्जन है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी T है और राइट हैंड साइड पे भी डायरेक्टली फर्स्ट लेटर T है. अगर लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों जगह पे फर्स्ट लेटर मैच हो रहा है, इसका मतलब है आपके ग्रामर में लेफ्ट रिकर्जन है. तो कैसे रिमूव करेंगे क्विकली, वी हैव सीन इट, T gives, जहां पे लेफ्ट रिकर्जन नहीं है उसको उठाएंगे, F को उठाएंगे और T डैश रखेंगे, एक नया नॉन टर्मिनल रखा मैंने T डैश, अब T डैश को देंगे जहां पे रिकर्जन है, रिकर्जन है वो ग्रामर कौन सा है, स्टार F, ठीक है, ये निकाल देंगे, ये हम रिमूव कर देंगे जब नया लिख रहे हैं तब, T डैश gives स्टार F और अगेन लिखेंगे T डैश, और यहां पे इसको एक नया कौन सा ग्रामर देना है, यहाँ का प्रोडक्शन देना है एप्सिलॉन वाला, ठीक है. सो ध्यान से देखेंगे क्या प्रोसेस हो रही है. चलो नया ट्राई करते हैं नीचे वाला, जैसे कि सबसे पहले इजी वाला बी है, तो बी को खत्म करते हैं. बी को कैसे करेंगे, इस प्रोडक्शन के लिए मैं लेफ्ट रिकर्जन रिमूव कर रहा हूँ, लेफ्ट रिकर्जन दोनों में है, यहाँ पे दो में है, ए गिव्स ए बी एंड डी, यहाँ पे ए गिव्स ए ए एंड ए गिव्स ए, ठीक है, यहाँ पे बी गिव्स बी ई एंड स्मॉल बी. ओके, सो हैव अ क्विक लुक एट इट, कि यहाँ पे अगर बी गिव्स बी ई है, ये इजी है, क्या करेंगे, बी लिखेंगे जो लेफ्ट रिकर्जन बिना का है उसको उठाएंगे, क्योंकि इसमें तो लेफ्ट रिकर्जन है, यहाँ पे दो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन नंबर वन प्रोडक्शन नंबर टू, तो प्रोडक्शन नंबर टू है वो लेफ्ट रिकर्जन बिना का है उसको उठाते हैं. सो बी गिव्स
बी एंड बी डैश, ये हमारा न्यू नॉन टर्मिनल है, न्यू नॉन टर्मिनल ऐड किया, तो अगेन बी डैश को एक्सपांड करना पड़ेगा। बी डैश को एक्सपांड कैसे करेंगे, यहाँ से जो रिपीटेशन वाला है वो नहीं लेंगे और सिर्फ ई बी डैश लेंगे, पीछे वाला सिंबल आगे लगा दिया है मैंने, ई बी डैश और एप्सिलॉन। ओके, तो हमारा बी वाला जो प्रोडक्शन है, एक की जगह पे हमें दो प्रोडक्शन ऐड करने पड़ेंगे, सो विल इन न्यू प्रोडक्शन ये हम रिमूव कर देंगे, उसके जगह पे दो प्रोडक्शन लगा देंगे। अब हम ऊपर वाले सिंबल के लिए करते हैं, ठीक है, सो लेट अस एडजस्ट दिस वन। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे ये दोनों लेफ्ट रिकर्जन वाले सिंबल हैं, तो मैं क्या करूँगा, ए गिव्स ओनली ए, सिर्फ ये ले लूँगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों लेफ्ट रिकर्जन वाले हैं, और बाद में मैं क्या लगाऊंगा, नया नॉन टर्मिनल सिंबल। ओके, अब ए डैश को क्या करेंगे, ए डैश को यहाँ दोनों लेफ्ट रिकर्जन वाले हैं, ये दोनों में से पहले सिंबल नहीं लेंगे, पीछे वाले सिंबल लेंगे बी डी और ए डैश, यहाँ से लूंगा मैं स्लैश ए ए डैश। ओके, दोनों के पीछे मैंने ए डैश लगा दिया, और अगेन ए डैश के पीछे क्या लगाना है हमें, एप्सिलॉन लगाना है। ओके, सो इस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, आप इन दोनों को अलग अलग भी ट्रीट कर सकते हैं, ये मैंने डायरेक्टली जनरेट किया यहाँ से, ठीक है, कि कैसे जनरेट कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, इसको दो में डिवाइड कर सकते हैं, कैसे डिवाइड करेंगे, ए गिव्स ए बी डी एंड स्मॉल ए, ठीक है, ये सिंपल वाला हो गया जो हमें आता है, और अगेन ए गिव्स ए ए एंड स्मॉल ए। ओके, इफ यू विल एक्सपांड दिस यू विल गेट ओनली दिस टाइप ऑफ रूल्स, ठीक है, जो प्रोडक्शन रिपीट हो रहे हैं वो सिंगल टाइम ही लेंगे, यहाँ पे हो सकता है कि कोई प्रोडक्शन दो बार आ जाए, जैसे ए ए डैश प्रोडक्शन है या ये वाला है ए ए डैश प्रोडक्शन, हो सकता है ये दो बार आ जाए, तो ऑब्वियसली हम प्रोडक्शन रिपीट तो नहीं करेंगे, फाइन, वो सेम प्रोडक्शन है तो एक ही बार लिखेंगे। ओके, सो इस तरीके से दो में डिवाइड करके भी कर सकते हैं, और जैसे मैंने बताया इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब ये दोनों प्रोडक्शन सेम है, फाइन, तो इस प्रोडक्शन में तो लेफ्ट रिकर्जन नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे नो लेफ्ट रिकर्जन, नॉ लेफ्ट रिकर्जन, तो ये सेम प्रोडक्शन जाएगा ओरिजिनल में भी। ओके, यहाँ इंप्रूवमेंट या एफिशिएंट वाले में भी। अब यहाँ पे देखिए ए गिव्स ए सी, सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट रिकर्जन है, और यहाँ पे है एस डी, एस प्रोडक्शन हमारे पास यहाँ पे है, ये दोनों सेम ही सम्स हैं, ये दो अलग अलग प्रोडक्शन हैं पर ग्रामर सेम है, तो एस है उसमें अगेन ए ए और बी है, तो उसको हम एक्सपांड करके लिखें, तो मैं नया ग्रामर नीचे लिख रहा हूँ, पहले ए गिव्स ए सी, ओके, स्लैश एस की जगह पे दो चीजें हैं ए ए और बी, तो मैं लिख लूंगा कि ए ए उसके साथ डी जाएगा और बाद में बी है तो बी के साथ भी डी जाएगा, एप्सिलॉन तो पहले से है तो एप्सिलॉन लिख देंगे, ठीक है, तो मैंने सिर्फ इस ग्रामर को क्या किया है, एक्सपांड किया है, फाइन, तो मुझे पता चला है कि मेरे पास एक नहीं बल्कि दो लेफ्ट रिकर्जन वाले ग्रामर है। अगेन कैसे लिख रहा हूं ध्यान से देखेंगे, ए गिव्स, तो ए गिव्स क्या होगा, सबसे पहले जो लेफ्ट रिकर्जन वाले नहीं है, एक तो बी डी नहीं है, उसके पीछे मैं ए डैश लगाऊंगा, और एक एप्सिलॉन नहीं है तो एप्सिलॉन के पीछे मैं ए डैश लगाऊंगा, ठीक है, तो एप्सिलॉन ए डैश का सिंपल मतलब क्या होता है, मैं वापस से लिख रहा हूं, ये बी डी ए डैश तो करेक्ट है, एप्सिलॉन ए डैश का मतलब होता है, एप्सिलॉन का मीनिंग होता है कुछ नहीं, तो एप्सिलॉन ए डैश को हम सिर्फ ए डैश लिख सकते हैं, ठीक है, सो ये मेरा फाइनल ग्रामर है। अभी हमें ए डैश को एक्सपांड करना है, तो ए डैश को एक्सपांड करते समय हम क्या ध्यान रखते हैं कि जो भी लेफ्ट रिकर्सिव वाले हैं वो नहीं लिखते हैं, उसके बिना वाले सारे प्रोडक्शन लिखते हैं, तो ए और सी में से ए नहीं लिखेंगे सिर्फ सी लिखेंगे, पीछे ए डैश लगाएंगे, ए ए डी में से ए नहीं लिखेंगे सिर्फ ए डी लिखेंगे और उसके पीछे ए डैश लगाएंगे, और अगेन ए डैश में लास्ट में क्या आता है, एप्सिलॉन, तो इसका फाइनल ग्रामर क्या बनता है, लेट अस चेक, इट विल गिव अस समथिंग लाइक दिस, ए गिव्स बी डी ए डैश स्लैश ए डैश, और ए डैश को एक्सपांड करते टाइम क्या लिखेंगे, सी ए डैश और ए डी ए डैश एंड देन एप्सिलॉन, ठीक है, सो दिस इज अवर फाइनल ग्रामर फॉर दिस वन, फाइन, सो दीज वर सम एग्जाम्पल्स रिगार्डिंग लेफ्ट रिकर्जन, होप यू अंडरस्टूड इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, सो डू इट नाइसली, लेफ्ट रिकर्जन एंड लेफ्ट फैक्टरिंग, लेफ्ट फैक्टरिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी यहाँ तक रखते हैं, ठीक है, सो लेट अस डू दिस वेरी नाइसली, ओके, गुड डे।